डाइखन फिटकिन और मलकिनिया से कहा काली मिर्च हल्का छोड़ो और जानो एक चकोटा छोड़ दी काली मिर्च ज्यादा हो गई हेलो हो यार की है यारी निभानी पीले पीले ओ मोर राजा पीले पीले ओ मोर जानी पीले पीले ओ मोर राजा पीले पीले ओ मोर पिताजी बेटा सूरज मौका आ गया है उठाओ हरामजादे को बेटा सूरज सुनो मेरी बात और है यही माता सूरज और न देरी करो है यही माता सूरज है यही माता सूरज न देरी करो अपने हाथ में खंजर ये भी डांट लो लौट कर जिंदा कन्नौज और चाहे नहीं इसका सर काट लो इसका सर काट लो काट लो हरामजादे का सर जिंदा यहां से लौट कर कन्नौज जाने न पाए लेकिन पिताजी सुनो हमारी बात तो कत्ल करना किसी को We'll be right back.
इस तरह कत्ल करना ठीक नहीं है, वो भी घर आए मेहमान का। बेटा सूरज, क्या बात? अगर इसका कत्ल करना ठीक नहीं है तो सुनो मेरी बात। क्या बात? कि डाल दो इसको और भक्सी के अंदर, अभी डाल दो इसको भक्सी। डाल दो इसको और भक्सी के अंदर, अभी खाप मुझको किसी भी ना पहलवान को जंग मैदान में, और मैं इसी तेग से सर गिरा दूंगा काट कर मलखान का। अगर ऐसी बात है तो इस हरामजादे को डाल दो भक्सी के अंदर और मलखान का खौफ खाते हो, उसका सर काट कर हरामजादे को यही बूंदीगढ़ में समाप्त कर दूंगा। ये बात ठीक है पिताजी, इस हरामजादे को भक्सी के अंदर डाल दिया जाएगा। आए थे यहां गौना लेने के लिए हरामजादे। सूरज क्या बात? और क्यों मारे है निर्दयी और हरे पास की और क्यों मारे है निर्दयी और हरे पास की मार और घर किला खाक में सारा अभिमान और ये देगा मिला नाम तूने सुना क्या ना मलखान। उदल उस हरामजादे मलखान के मुझे धमकी दे रहे हो, जरा सुनो हमारी बात। और जब निकाला हरकत कन्नौज में करके आए हो, उदल
देख इस पत्र में क्या लिखा है। ये पत्र कनौज से आया हुआ है। या भगवान, ये क्या लिखा हुआ है इस पत्र में? ये क्या लिखा है पत्र में? ये ऐसी ऐसी गलती करके हराम दादा, देख इसमें हमारे समधिन का ये दस्तखत भी है। असमय मैं तुमको लिखूं पत्र बुंदेला रहा है, जैसे कि उदल दगा मुझसे कहीं ना जाए, मुझसे कहीं ना जाए, मुझको बंधवाई ले लाखन की और कैद किया जयचंद लाखन को, ये हरकत उदल की। ये तुम्हारा महोबा और कन्नौज नहीं है, ये हमारा कामरू बूंदीगढ़ है। यहाँ पर वक्त आता है तो काट के घोड़े और भूत बैदाल भी जंग करते हैं। और तुमने हमारे लड़की को, पढ़ लिया तुमने पत्र? हाँ पढ़ लिया। यह माता, यह भगवान, यह माता तिलका तुमने क्या किया कि दई निर्दयी बन गया और आए बिना तकसीर और नेकी करते हो बदी, फूट गई तकदीर कि मेरे जगदीश तू देखता है, मेरे जगदीश तू देखता है, देखता हूँ न मेरी खता है, मेरे जगदीश तू देखता है। जाओ हाथ की हथकड़ी लेकर आओ, लगाओ हरामजादे को। बेटा सूरज ले जाओ, महल के पीछे जो 60 फुट गहरी भक्सी बनी हुई है, उसी भक्सी में हरामजादे को धक्का मारकर उसी भक्सी के अंदर डाल दो। अच्छा अच्छा। उसके बाद भक्सी के ऊपर एक पत्थर का सिला सरका कर रख दो। ठीक है। तीसरा काम, भक्सी के ऊपर संतरी का पहरा लगा दो। बहुत सही, जबरदस्त पहरा होना चाहिए, ऐसा ही होगा। और हरामजादे को न खाने के लिए खाना, न पीने के लिए पानी, तड़प तड़प कर इसकी खत्म करो चिंकानी। उदल, अब हरामजादे तुम्हें, तुम्हारी मौत इस बूंदीगढ़ में ही आए, तुम बचोगे नहीं। तुम इस दरबार लेकर के चलो कल हरामजादे। डाल दो इस भक्सी के अंदर हरामजादे को। संतरी, आ संतरी हरामजादे,
देखो इस भक्सी के अंदर उदल बंद है हाँ। और इस पर तुम्हारा पहरा रहेगा और न इसे खाना दिया जाएगा और न पानी दिया जाएगा और कोई भी अगर आता है तो तुम्हें ये पत्थर का शिला नहीं सरकाना ही ठीक है। पहरा अच्छी तरीके से होनी चाहिए आप कैसे आना हुआ अब बताऊंगी संतरी हाँ बताइए बिने करू मैं संतरी और तरस हाल पर खाए संतरी हाँ और भक्सी का मुख से आपसे विनती करती हूँ कि ये जो बक्सी के ऊपर पत्थर का शिला है हाँ इसे आप टाल दीजिए। सुनो मेरी बात और मानु कहना ये तेरा सुता सुंदरी पत्थर का शिला हाँ मैं नहीं सरका सकता हूँ क्या पत्थर का शिला मैं नहीं सरका सकता हूँ क्योंकि मुझे पत्थर का शिला सरकाने से ड्यूटी है और पत्थर का शिला अगर सरकाऊंगा तो मुझे राजा ने फांसी पे चढ़ा देंगे संतरी हाँ नौकरी की न चिंता करो तुम जरा छूट जाएगी और हार भी ना पाओगे और है इसी में भला मानो कहना मेरा अगर मेरा कहना मानोगे तो फिर ठीक है और अगर मेरा कहना नहीं करोगे हाँ तो हो सकता है तुम्हारी नौकरी जाएगी तुम्हें फांसी भी हो सकती है संतरी ठीक है मैं आपका कहना मान करके पत्थर का शिला सरका रहा हूँ लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं होना चाहिए।